तो यार आज होने वाला है बहुत ही खतरनाक मेगा रैम चैलेंज, तो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मेरे साथ खड़े बहुत ही अलग अलग लिटिल सिंगम और हमारा प्यारा शिनचैन के साथ में खड़ी है डिफरेंट कलर की गाड़ी। जो लिटिल सिंगम खड़ा है उनकी गाड़ी फेवरेट खड़ी है वहां पर कलर की, और यहाँ पर जो भी आज जीतने वाला है ना उसको बहुत ही ज्यादा पैसे, बहुत ही ज्यादा गोल्ड और बहुत ज्यादा डायमंड ये सब मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे होते थे। राइट नाउ मैं उनके साथ बैठूंगा और वो ड्राइविंग करूंगा और ये चैलेंज बहुत ही खतरनाक होने वाले। तो शुरुआत हम करने वाले हमारे इंस्पेक्टर लिटिल सिंगम के साथ में, जो कि अपनी वर्दी के कलर का गाड़ी यहाँ पर लेके आए और देखते क्या ये परफॉर्मेंस कर पाते है या नहीं। ये मेगा रैम चैलेंज में भाई ये तो देखा भी नहीं और डायरेक्ट गाड़ी को जंप मारवा दिया है, और लेट्स सी भाई फुटबॉल को मारते हो। लॉन्डे ने बहुत ही खतरनाक जंप मार दिया और यहाँ पर भाई साहब गाड़ी को लगाया फटका बहुत ही खतरनाक। क्या आपको लगता हमारा इंस्पेक्टर लिटिल सिंगम कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो भाई देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाड़ी को ड्राइव करते हुए लग रही है, बट यहाँ पर लग चुका है फटका जो कि विंड मिल का लगा है, बट यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है गाड़ी को फिर से, बहुत अच्छा रिकवर कर लिया, वरना वो विंड मिल का फटका शायद से रैम के बाहर फेंक सकता था। बट यहाँ पर लिटिल सिंगम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकवर करते हुए आगे बढ़ रहे, और यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है पिकाचू, और जो भी वो पिकाचू को टच करता है, जो भी पिकाचू के प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है वो जीतने वाला। और यहाँ पर भाई साहब हो चुकी है गलती और यही गाड़ी परफेक्ट तरीके से रैम पे ला दी है, बट यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा, और इसी के साथ हमारा इंस्पेक्टर लिटिल सिंगम होता हुआ रेस से बाहर। और गाइस देख सकते हो ये रही उसकी गाड़ी जो कि बहुत तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट लिटिल सिंगम की तरफ, देखते कौन सा होने वाला है यहाँ पर हमारा रेड लिटिल सिंगम, क्या लगता है ये कर पाएगा? क्योंकि भाई मैंने सुना है रेड वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, अब बार ये रेड लिटिल सिंगम की क्या ये चैलेंज को पूरी तरीके से कर सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हो इसने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है, बहुत ही शांत तरीके से गाड़ी देख रहा है और ज्यादा लंबी जंप नहीं लगाई, और यहाँ पर वो एकदम मेंटेन करके बढ़ रहा आगे की तरफ, और आप देख सकते हो बेहतरीन जंप। क्या ये गाड़ी टकराएगी? नहीं भाई, बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग यहाँ पर देख सकते हो। कम ऑन रेड लिटिल सिंगम, पैसे तेरे हो सकते हैं अगर तू ये रैम मेगा रैम को बहुत इजीली क्लियर करता। अगर ये भाई तू कर गया ना तो तेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है और बहुत ज्यादा प्यार से को मिलेगा हमारे भाइयों से जो हमारा वीडियो देख रहे राइट नाउ। तो भाई लोग बताओ क्या लगता है आपको, रेड लिटिल सिंगम जीतेगा? तो यहाँ पर मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये जीत पाएगा, क्योंकि ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यहाँ पर लगता है इसको लाइसेंस कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। ओ भाई बहुत ही खतरनाक वाला फटका लगा है गाड़ी के, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाड़ी का दरवाजा तोड़िया लिटिल सिंगम, भाई तेरे हाइट भी नहीं पहुंच रही है वहां तक, तो फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग कर रहा है। और यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो रही है, बट ये ब्रेक पे बहुत ही बेहतरीन पैर रख के आगे बढ़ रहा है, और ये पतले रस्ते से निकलने की कोशिश, क्या विंडमिल लगेगा? नहीं भाई, विंडमिल से यहाँ पर एक विंडमिल से बच गया, दूसरे विंडमिल ने फटका मार दिया और ये भी होते हुए डिस्क्वालीफाई रेस से बाहर होते हुए ये रेड लिटिल सिंगम। और तू भी देख सकता है गाइस ये दो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंटेंडर्स की तरफ जो कि है हमारा ब्लू लिटिल सिंगम। तो भाई कमेंट में बताना कौन कौन सपोर्ट कर रहा है किसको। तो भाई ब्लू लिटिल सिंगम को जो सपोर्ट कर रहा है तो ब्लू लिख देना कमेंट सेक्शन में। बढ़ते देखते ब्लू लिटिल सिंगम हमारा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि भाई अभी तक दो लिटिल सिंगम हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई रैम से, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन धीरे धीरे बढ़ रहे भाई, बहुत ही फुक फुक के कदम यहाँ पर रखा जा रहा है, पीछे आ रहा लगता है भाई, फुल ऑन स्पीड में उड़ाने वाला है गाड़ी को यहाँ से। लेट्स गो गाइस, ब्लू लिटिल सिंगम ने गाड़ी को उड़ा के रख दिया, बट नहीं यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल यहाँ पर किया है अपने आप को। और ये देख सकते हो भाई साहब गुफे के अंदर से निकल गया, और ओ भाई पहली ही बार में दरवाजे टूट चुके हैं, और मेरे को लग रहा है भाई ब्लू वाले की भी हालत बाकी दोनों की तरह होने वाली है, क्योंकि भाई इन लोग गाड़ी चलाना आता नहीं, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी को कहीं भी लेके जा रहा है, इसको एकदम सेंटर में रखना चाहिए, कि अगर ये सेंटर में रहेगा तो ही ये बहुत ही इजीली तरीके से पार कर सकता है। और राइट नाउ आप लोग देख सकते हो गाड़ी हवे में, और भाई साहब यार ब्लू वाले तो आराम से लेके चल, कोई घाई नहीं है, क्योंकि तेरे दो भाई ऑलरेडी आउट हो चुके हो, तू अगर जीतना चाहता है तो गाड़ी को मेंटेन रखना रैम के ऊपर, देख सकते हो भाई साहब। नहीं यार तू भी होता हुआ डिस्क्वालीफाई, पता नहीं गाइस क्या हुआ, अभी तक तीनों लिटिल सिंगम वो एरिया पार नहीं कर पाए, जो भी विंडमिल के पास आ रहा है वहां से गिर जा रहा है, तो यहाँ पर तीनों होते हुए डिस्क्वालीफाई। देखते अपनी अगला कंटेंटेंट कौन है। तो ये रहा हमारा ग्रीन लिटिल सिंगम, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि भाई उसकी बारी आ चुकी है, और ये कह रहा है कि ये चैलेंज को बहुत इजी पूरा करने वाला है। तो देखते गाइस ये कर सकता है कि नहीं। और राइट नाउ आप लोग देख सकते हो बेहतरीन तरीके से मेंटेन स्पीड 100 के ऊपर की स्पीड में जंप मार दिया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंडिंग भी यहाँ पर आप कह सकते हो, बट लैंडिंग के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बट यहाँ पर गाड़ी को सेफली अपनी इस तरीके पर रख दिया और डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, और सामने दिख रहा है हमारा पिकाचू। और भाई साहब क्या ये पहुंच पाएगा? मुझे लग रहा नहीं ये नहीं पहुंच पाएगा, बट मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में लिटिल सिंगम गाड़ी चला रहा, मेरी फटके हाथ में आ चुकी है, और भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से। ओ लॉन्डे क्या ही खतरनाक वो पर, नहीं यार ये अगर टकराता नहीं तो पूरे स्पीड में ये विंडमिल क्रॉस कर जाता, क्योंकि ये विंडमिल ही तो है ना खतरा, कोई भी ये विंडमिल से बच नहीं पाया, तीनों लिटिल सिंगम ये विंडमिल के पास ही गिर चुके। क्या ये बच पाएगा? देखते गाइस पहला विंडमिल, ओ भाई बच गया और खड्डे में भी नहीं गिरा, भाई ये तो आगे आ चुका है दोनों से
तीनों से आगे आ चुका और ये भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। स्पीड मेंटेन रखता तो शायद से नीचे पहुंच सकता था। लेट्स गो, देखते गाइस। बहुत ही नजदीक पिकाचू मुझे दिखाई दे रहा है और ग्रीन नीडल सिंगम लगता है गाइस ये कर जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग। और ये भाई कोर विंडमिल से बच गया, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। क्या लगता है गाइस, मेरे को तो लग रहा है ये कर जाएगा बहुत ही इजी। नहीं भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल, बट ये विंडमिल का फटका तो लगा। ओ भाई पहुंचने वाले, ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले, क्या ये कर देगा। नहीं गाइस, गाड़ी कंट्रोल ही हो रही है इससे और ये भाई सब एकदम एज पे खड़ा है, गाड़ी को बचा लेगा तो ये कर जाएगा। कम ऑन लिटिल सिंगम, ग्रीन वाले तो कर सकते हैं। नहीं गाइस, इसकी भी गाड़ी गिर चुकी है, बहुत ही क्लोज आके ये गिरा है, बट कोई नहीं, वेल ट्राई यार, सबसे आ गया है, बस एक गलती और तू नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, ये देखते हैं अब अगला कौन है। यहाँ पर गाइस ब्लैक लिटिल सिंगम बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा है कि भाई तूने मेरे को इतना पीछे क्यों रखा है इन लोगों से। और राइट नाउ भाई ये बोल रहा है कि तुम तो देखते जाओ, मेरा बायत का खेल है, मैं इजीली ये कर सकता हूँ। तो देखते कि ब्लैक वाला तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पर। रैम में सबने देख लिया, जो बचे थे उन लोगों ने भी देख लिया कि गाड़ी को चलाना कैसे। और यहाँ पर देख सकते हो भाई बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग कर रहा है पर ब्लैक लिटिल सिंगम। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में बताना कि भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो आप, कौन से लिटिल सिंगम को सपोर्ट कर रहे हो, शिनचैन को सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर बेहतरीन ड्राइविंग करते हुआ यहाँ पर हमारा ब्लैक लिटिल सिंगम, जो कि सामने है पिकाचू, बट यहाँ पर आ चुका है गाइस मौत का कुआं, जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यही रास्ते में बहुत ज्यादा गिरे। और ये बेहतरीन भाई साहब, इसने भी पूरी तरीके से उसको पार कर लिया और आगे बढ़ रहा है जहाँ पर ग्रीन लिटिल सिंगम गिर गया था, बट ये यहाँ पर अपनी गाड़ी का आपा खोता हुआ। क्या लगता है ये पहुंच पाएगा भाई साहब, गाड़ी को बचा ले, अपने आप को बचा लेगा वरना ये गिर जाएगा। अभी तक यहाँ पर खड्डा शुरू नहीं हुआ है। ये विंडमिल, ओ भाई विंडमिल से लगी है, बट यार बहुत ही एज पे बच गया ये भाई, लग रहा है इसकी किस्मत है, विंडमिल ने इसको मारा बट ये नीचे नहीं गिरा, बहुत ही खतरनाक एज पे जाके बचा। और राइट नाउ मैं एकदम नीचे की तरफ जा रहा हूँ गाड़ी को लेके, लिटिल सिंगम भाई मेरे को बचाना, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए भाई, बट गाड़ी को बीच में रख, कोने में रखेगा तो पक्का गिर जाएगा, तो ट्राई तू कर बीच में रखने का। और ये भाई नहीं, बहुत ही बेकार जंप, और इसी के साथ ये भी होता हुआ रेस से बाहर। भाई देखो मैं कह रहा था कि बीच में रख तो तू जीत सकता था, क्योंकि भाई तू अच्छा ड्राइविंग कर रहा था, बट यहाँ पर तू भी होता हुआ डिस्क्वालीफाई। अभी देखते हैं हमारे पास है व्हाइट लिटिल सिंगम, ब्लैक के बाद व्हाइट, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और व्हाइट कलर में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। इसके बाद हमारे पास दो और कंटेंडर्स बचे, बट यहाँ पर व्हाइट की बारी है। व्हाइट ने एकदम शुरुआत एकदम धीमी की है और स्लो की है, देखते क्या ये पहुंच सकता है नीचे की तरफ या नहीं। अगर ये पहुंच गया ना गाइस तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट भाई साहब ये गाड़ी ने तो पहले ही इसको धोखा दे दिया, बट बेहतरीन तरीके से रिकवर आप इसको कह सकते हो। नीचे दिखाई दे रहा है मेरे को पिकाचू, बट उससे पहले पहले पड़ाव में बढ़ता हुआ विंडमिल की तरफ, जहां पर बीच में खड्डे और पतला रास्ता है, अगर वो यहां से निकल गया तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि भाई आपको पता है ब्लैक और ग्रीन इसके आगे निकल गए थे, तो अभी तक वो दोनों बहुत ही आगे। व्हाइट भी बढ़ रहा है अपनी पहली पड़ाव की तरफ, जहां पर आप लोग देख सकते हो विंडमिल सामने, और पहली विंडमिल से बचा नहीं भाई, बहुत ही खतरनाक फटका लगा और यहाँ पर इंजन खराब और आग लग चुकी है और ये गाड़ी होने वाली है ब्लास्ट। तो भाई बच के रहियो। तो भाई व्हाइट लिटिल सिंगम की गाड़ी तो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी, और येलो बोल रहा है कि भाई वो तो पागल था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ भी नहीं आता ड्राइविंग करना, अब बोल रहा है कि मैं एकदम खतरनाक ड्राइविंग करता हूँ, आप देखो बस मैं बहुत ही इजी तरीके से नीचे इसको पहुंचाने वाला हूँ। देखते हैं भाई जो ये हवाई में उड़ रहा है क्या ये कर सकता है। येलो लिटिल सिंगम की बारी आ चुकी है और ये है लिटिल सिंगम को रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम लास्ट, क्योंकि भाई इसके बाद कोई भी नहीं बचेगा, इसके बाद हमारा प्यारा शिनचैन बचने वाला है। अगर ये नहीं कर पाता है तो शिनचैन, अगर कर गया तो शिनचैन बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है, बट यहाँ पर देख सकते हो येल्लो की बारी और येल्लो बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी को लेके जा रहा है नीचे की तरफ, वो ट्राई कर रहा है कि कोई भी बीच में ना आया, फुटबॉल लगेगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पर जो विंडमिल है ना वो नहीं लगना चाहिए, अगर वो विंडमिल लग गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। राइट नाउ भाई सब बहुत ही अच्छा कंट्रोल गाड़ी पे आप इसको कह सकते हो, ये पतले रास्ते से जाने की कोशिश नहीं, भाई साहब पतले रास्ते पे क्यों आ गया यार, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसके लिए। पहला विंडमिल से बच गया, दूसरे से भी बच गया, बेहतरीन भाई, बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आप इसका कह सकते हो, बट यहाँ पर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी पलट मारते हुए जा रही है नीचे, है विंडमिल जो कि बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है येल्लो के लिए, बट नीचे देख सकते हो पिकाचू भी दिख रहा है और खुशी का ठिकाना नहीं, और ये बेहतरीन तरीके से नीचे की तरफ गाड़ी लेके जा रहा है। और ये नहीं भाई, जैसे मैंने कहा था विंडमिल से बचना नामुमकिन नहीं, मुमकिन भी नहीं, कुछ भी नहीं है यार। तो देख सकते हो गाइस व्हाइट वाला वहां पर खड़ा है, येलो वाला भी हो चुका डिस्क्वालीफाई, और हमारा लास्ट बच्चा है आपको पता है हमारा प्यारा शिनचैन। तो देखते शिनचैन ये चैलेंज को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर शिनचैन ने ये चैलेंज को पूरा कर लिया तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा मजा आएगा, पैसे बहुत ज्यादा शिनचैन को मिलने वाले, और शिनचैन मुझे कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया कि गाड़ी ड्राइव कैसी करनी है। उसने मुझे कह रहा है कि भाई विंडमिल से बच के जाऊंगा तो मैं इजीली चैलेंज को पूरा कर सकता हूँ, बट ये यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बहुत ही खतरनाक गुलांडी मारते हुए गाड़ी को बचा लिया, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कुछ नहीं हुआ है गाड़ी का अभी तक, गाड़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। शिनचैन अगर ये चैलेंज को पूरा करता नहीं, क्योंकि हमारे
हमारे पास ये लास्ट बंदा बचा है ये चैलेंज में, अगर ये कर गया ना तो पूरे पैसे इसके होने वाले। और शिनचैन कह रहा है कि मैं करके रहूंगा क्योंकि भाई आप लोग उसको प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, इसीलिए वो कह रहा है कि वो इजीली चैलेंज पूरा कर लेगा। तो देखते हैं गाइस ये चैलेंज को कर पाता है कि नहीं कर पाता। पहली पड़ाव आ चुकी है क्योंकि यहां पर विंडमिल बहुत तेजी से घूम रहे, क्या शिनचैन क्रॉस कर पाएगा भाई, बहुत ही बेहतरीन जब। ओ भाई साहब इसको बोलते हैं किस्मत, देख रहे हो वो गड्ढे के ऊपर से निकल गया ये, बट इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई बहुत ही बेहतरीन गाड़ी को कवर यहाँ पर कर लिया, बट मेन होता है ना ये वाले जो विंडमिल है ना बी सेंटर में, इनसे बचना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग गिर चुके। अगर शिनचैन इसको कर गया ना तो भाई शिनचैन कंफर्म विनर बनने वाला है। देखते हैं गाइस क्या शिनचैन इसको कर सकता है। यहाँ पर ड्राइव मारते हुए गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं, एक विंडमिल से बच चुका है, आगे दो तीन चार पांच विंडमिल है एक साथ, और गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शिनचैन से खड्डे भी आ चुके, क्या हो भाई बहुत ही खतरनाक, खड्डे में मत गिरना शिनचैन, गाड़ी को बचा ले प्लीज। तो गाइस शिनचैन ने बहुत ही बेहतरीन रिवर्स में गाड़ी ले ली और खड्डे में गिरने से अपने आप को बचा लिया। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते होते मौत को चुके टक से वापस आ गया हमारा शिनचैन, और ये लास्ट विंडमिल बचा है, क्या क्रॉस करेगा? हाँ भाई साहब शिनचैन ने क्रॉस कर लिया, बस ये खड्डे में मत गिरना शिनचैन। और ये यहाँ पर हमारा शिनचैन ने बहुत ही इजीली ये कर लिया है, आप लोग देख सकते हो ये रहा मेगा रैंप और ये रहे हारे हुए लिटिल सिंगम, बट हमारा विनर है शिनचैन। शिनचैन प्यारा प्यारा शिनचैन हमारा चैलेंज जीत चुका है मेगा रैंप का, और शिनचैन की खुशी का ठिकाना नहीं क्योंकि उसको मिलने वाला है सरप्राइज जो कि बहुत ज्यादा पैसे डायमंड गोल्ड, ये रहा गाइस उसका। तो गाइस ये रहा उसका प्राइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डायमंड है, गोल्ड है, पैसे है, इतना ज्यादा शिनचैन अमीर बन चुका है ना कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो गाइस चैलेंज कैसा लगा मेक श्योर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी कमेंट करके बताना कि आप शिनचैन को कर रहे थे कि लिटिल सिंह को कर रहे थे। मैं तो शिनचैन को कर रहा था सपोर्ट, शिनचैन हमारा बहुत ज्यादा प्यारा है। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दोगे लाइक, और बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।